सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 मंथ एगो ये वीडियो अपलोड की गई है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.1 लाख व्यूज़ है इनकी इस वाली स्टोरी पे। एंड इस तरीके की एनिमेटेड स्टोरी वीडियो आप भी बना सकते हैं। चैट जीपीटी से इन्होंने स्टोरी जनरेट की है एंड एआई वॉइस है और यहाँ पर एक इमेज है और इन्होंने सबटाइटल्स यूज़ किया है। इस तरीके की वीडियोज़ आप भी बना सकते हैं, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले आप ये स्टोरी देखिए जो मैंने जनरेट की है। There lived a young boy named Liam. Liam was known for his vivid imagination and his strong belief in the power of his thoughts. One sunny day, Liam was playing by the river when he noticed a small bird struggling in the water. यहाँ पर आप इनका चैनल भी देख सकते हैं। इस तरीके से इनका चैनल का नाम यह है विजन्स ऑफ द विजिटम एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने केवल 14 वीडियोस अपलोड की है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 6000 इनके सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। सिर्फ 14 वीडियोस पर 6000 सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इन्होंने एनिमेटेड स्टोरी वीडियो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल पावर ऑफ पैशंस एंड यहाँ पर इन्होंने जो है मोटिवेशन से रिलेटेड स्टोरी वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है। सिर्फ इन्होंने कुछ इमेज का यूज़ किया है, जैसे कि मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टाइटल एंड यहाँ पर ये एक इमेज यूज़ की है इन्होंने और नीचे सबटाइटल्स लिखा हुआ आ रहा है और इनकी वॉइस आ रही है जो कि एआई वॉइस से जनरेट की हुई है। इस तरीके की वीडियो आप भी बना सकते हैं। इन्होंने सिर्फ एक इमेज यूज़ की है, आप चाहे तो 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी हिस्टोरी के हिसाब से इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने केवल एक ही इमेज यूज़ की है और जिससे ये इस तरीके की एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बना रहे हैं और उन वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं। और इनके चैनल को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 4-5 महीने ही इनके चैनल को हुए हैं, 4 महीने ही मुश्किल से इन्हें हुए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं स्किप करके आपको दिखा देती हूँ, इन्होंने फुल वीडियो में केवल एक इमेज यूज़ की है और यहाँ पर नीचे सबटाइटल्स लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर मैं अबाउट सेक्शन में आ जाती हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ उन्होंने कब चैनल जनरेट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मार्च को इन्होंने सन 2023 में ये चैनल क्रिएट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने कम समय में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त चल रहा है यहाँ पर एंड 4 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने इतना अच्छा ग्रो पाया है यहाँ पर इस तरीके की एनिमेटेड वीडियोस बना के। इस तरीके की एनिमेटेड वीडियोस आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको ये नेक्स्ट वाला चैनल दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्पिरेशन हब नाम से ये चैनल है, आप जाकर इस पर विजिट भी कर सकते हैं एंड इन्होंने केवल 13 वीडियोस अपलोड किए हैं, सिर्फ 13 वीडियोस अपलोड की है एंड यहाँ पर सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हैं 7000 के आसपास इनके सब्सक्राइबर्स हैं एंड यहाँ पर इनका चैनल भी आप देख सकते हैं 16 अप्रैल सन 2023 को इन्होंने ये चैनल जनरेट किया था। यहाँ पर मैं आपको इनकी भी स्टोरी चलाकर यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने भी सेम इसी तरीके से 1-2 इमेजेस यूज़ किए हैं इस तरीके से एंड यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर इस तरीके से सबटाइटल्स लिख कर यहाँ पर अपलोड कर दी है। इस तरीके से आप भी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, आज ही आप अपना यूट्यूब चैनल बना ले। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो सबसे पहले हमें सीखना है इस तरीके की स्टोरी कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पर, जहाँ से हम लेंगे स्टोरी। यहाँ पर हम स्टोरी का टाइटल लिख देते हैं, पावर ऑफ थिंग्स किड्स स्टोरी। आप चाहे जैसी भी स्टोरी, मोटिवेशनल या किड्स एंड या हाँ, आप किसी भी टाइप की स्टोरी यहाँ पर जनरेट करा सकते हैं चैट जीपीटी से बिल्कुल फ्री में। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी जनरेट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस स्टोरी को कर लेना है कॉपी और नोट्स में सेव कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पर मैं नोट्स में सेव कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार चैट जीपीटी में नहीं आना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है सेव। अब हम आ जाएंगे गूगल ब्राउज़र में एंड यहाँ पर हम लिखेंगे TTS। इस वेबसाइट से हम करेंगे वॉइस ओवर जनरेट।
सो यहाँ पर आप इस वेबसाइट का लोगो देख लीजिए एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर खाली बॉक्स में है पेस्ट कर दीजिए अपनी स्टोरी एंड यहाँ से आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सुन सकते हैं। आपको जिसकी भी वॉइस अच्छी लगे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर ली है एंड ये जो कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है, जैसे 4989 यहाँ पर मैं एंटर कर देती हूँ। सो आपको सेम टू सेम ये एंटर करना है एंड कन्वर्ट टू स्पीच पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट। सो यहाँ पर डाउनलोड वॉइस फाइल, आप यहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप चाहे तो हिंदी में भी वॉइस जनरेट कर सकते हैं इस वेबसाइट से एंड इंग्लिश में भी वॉइस जनरेट कर सकते हैं एंड एनी लैंग्वेज में आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब हमें करनी है इमेज। इमेज अपनी स्टोरी के लिए हम आ जाएंगे गूगल ब्राउज़र में, हम लेक्सिका वेबसाइट ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी स्टोरी की 1-2 लाइन या 1 पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर सर्च बार में पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट एंड यहाँ पर लिखा है सर्च, आपको सर्च कर लेना है और आपकी स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगे। आप यहाँ पर 1-2 इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए एंड यहाँ से आपको जो भी इमेज अच्छी लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, यहाँ पर 4 इमेजेस नीचे शो हो जाएंगी एंड ये जो डाउनलोड का आइकन है आपको यहाँ से ये वीडियो डाउनलोड, यहाँ पर ये इमेज डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये इमेज डाउनलोड कर लिया है। इस तरीके से आपको 2-3 इमेजेस यहाँ से अपनी स्टोरी से रिलेटेड डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। आप चाहे तो 4 इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, 1 इमेज भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। सो यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा इमेज यूज़ कर सकते हैं कर लीजिए, अदरवाइज़ 2-3 इमेज से भी आपका काम चल जाएगा और आप यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लें। अब हमें करना है वीडियो को एडिट। एडिट करने के लिए आप काइनमास्टर या इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट यूज़ कर लेती हूँ एंड प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगी और जो मैंने सभी लेक्सिका से ये इमेज डाउनलोड की थी सभी को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर कैनवास पर आकर मैं इसे फुल साइज़ में कर लेती हूँ, यूट्यूब के साइज़ में जो कि मुझे यूट्यूब पर अपलोड करनी है ये वीडियो। सो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है फुल स्क्रीन में। आपको 1 बाय 1 करके इसे कर लेना है एंड म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे माय म्यूज़िक पर एंड यहाँ से जो हमने TTS मेकर से ऑडियो जनरेट कराई थी उसका हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे यूज़ कर लिया। अब आप इसे सुन लें एंड यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर लें। आपको 1 बाय 1 करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। इस तरीके से मैंने ये कर लिया है एंड यहाँ पर है टेक्स्ट T पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जो हमने स्टोरी सेव की थी यहाँ से 1-2 लाइन यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम इसे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसे कर लेंगे नीचे की ओर एडजस्ट यहाँ पर इस तरीके से एंड यहाँ से आप इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं एंड एनिमेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इन एंड आउट। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सभी टेक्स्ट लगा देने हैं अपनी स्टोरी में। यहाँ पर लेंथ मैंने सिलेक्ट कर ली जितना कि हमारे स्टोरी में वॉइस बोल रही है यानी वॉइस है। सो यहाँ से मैंने इस तरीके से सभी टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फुल वीडियो में टेक्स्ट लगा दिए हैं एंड यहाँ से वाटरमार्क रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पर आप चाहे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। म्यूज़िक में आएंगे माय म्यूज़िक एंड कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मैंने डाउनलोड किया है यूट्यूब लाइब्रेरी से। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड वॉइस कर लेती हूँ स्लो। सो यहाँ पर मैंने स्लो कर दिया एंड यहाँ पर हम कर देते हैं टिक एंड यहाँ से आप इसे कर ले सेव। Once upon a time in a small village, there lived a young boy named Liam. Liam was known for his vivid imagination and his strong belief in the power of his thoughts. One sunny day, Liam was playing by the river when he noticed a small bird struggling in the water. Without hesitation, Liam imagined a strong gust of wind lifting the bird out of the water and onto the river bank. To his amazement, the bird was suddenly lifted by an invisible force and landed safely on the shore.
Word of Liam's incredible feat spread throughout the village, and soon, people came to him with their problems. A farmer asked for rain, a child wished for a new toy, and a sick woman hoped for healing. Each time, Liam closed his eyes, focused his thoughts, and imagined